तो ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती, और इसलिए हमें सावधानी की भी ज़रूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर होने पकड़ से कहते हैं कि हम बच्चा बच्चा जानते हैं। एक से मुलाकात हुई कि ये मेरे मियाँ भी पता नहीं, मैं मजा का ना दसी सकना किड़े कर्च सुने वाली है। अगर आपकी जानकारी इतनी है तो आपको इन सब बातों का पता कारिंदे नहीं है, हुक्म देने वाले हैं, हुक्म दे देते हैं, नीचे माना नहीं जाता, क्योंकि आज भी 80% स्टाफ वो है जो कि भारतीय फौज को, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, भारतीय CRPF को इंडिया की फौज मानते हैं। आदर करता हूँ LG साहब का, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्शंस उनके निकल कर आते हैं, पर वो ग्राउंड पर आते आते तो पर इस तरह सरेआम दो अटैक सांबा पर हुए, दो अटैक कालूचक पर हुए, रत्नोचक और कालूचक, दो अटैक नगरोटा पर हुए, सोजवा पर अटैक हो गया, अखनूर का जो टाडा है वहाँ अटैक हो गया, तो ये सब क्रॉसिंग्स यहीं से हुई। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हम रक्षा और सुरक्षा को लेकर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीरेंद्र शाही जी। शाही साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शाही साहब। बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं जिसे लेकर देश की रक्षा और सुरक्षा की बातें हो रही हैं। हमने हमेशा डिफेंस के बारे में यहाँ बात की, आप आए हमारे साथ बैठे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद तो कुचला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो कोशिश है वो हर रोज हमारी तरफ आतंकवादी को धकेल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हमारे देश में भेज रहा है और वहाँ से टनल्स निकल रहे हैं। हालांकि हमारे जो BSF के जवान हैं उन्होंने टनल्स को देखा, उनको पता चल गया, बहुत बार गांव के लोगों ने भी उन्हें बताया, लेकिन चूंकि ये देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई बात है, आखिर टनल रातों रात और निकलती नहीं। 150 मीटर की टनल है, 100 मीटर इस तरफ आती है, 50 मीटर बॉर्डर के उस तरफ चली जाती है, और इस तरफ की एंट्री जो है वहां पे भी उसको बंद किया जाता है झाड़ियों के साथ। 2 आदमी इसे निकाल नहीं सकते, कहीं मशीनें लगी होंगी या ज्यादा लगे होंगे, जबकि हमारे जवान जो हैं बिल्कुल सरहद पे पहरा देते हैं और 50 मीटर तक उनकी निगाहें तो हर वक्त खुली रहती है, देखते रहते हैं, किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छी बात है कि पता चलता है, लेकिन पता बाद में चलता है जब वो जम्मू कश्मीर में आ चुके होते हैं और कांड कर चुके होते हैं। आप सही कह रहे हैं आदर्श जी, ये जितनी भी टनल्स, मेरे ख्याल अब तक ये 11वीं टनल है, और ये सब बनी है, इनका जो एंट्री पॉइंट है पाकिस्तान की तरफ से वो हमारे बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से 50-60-100 मीटर के अंदर अंदर है। ये जो लेटेस्ट है इसका 50 मीटर दूर है, 50 मीटर पार हम क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि ये मैसिव मिट्टी वहाँ से निकली होगी, उसको डिस्पोज किया होगा, कुछ लोग डिगिंग में लगे होंगे, शायद मशीनी डिगिंग ना हो, फिर भी मैनुअल डिगिंग करना, फिर आजकल साउंड सेंसर्स हैं जिनसे इसका पता चल जाता है। जो तो फोटोज अखबार में आए थे उनको मैंने देखा, वो हमारी बॉर्डर फेंस के बहुत नज़दीक है, एक ट्रक वहाँ नज़र आता है, इसका मतलब वहीं से जो फेंस के हमारी तरफ रोड चलता है उस पर पेट्रोलिंग होता है वो भी नज़दीक है, और एक छोटी सी टूटी फूटी ज़मीन की आड़ में उन्होंने ओपनिंग भी बनाया, फिर उसको कॉमोफ्लाज करके झाड़ियाँ वड़ियाँ लगा के
बंद भी किया हमारी तरफ। ये सब कार्रवाई तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इनको या तो हमारी तरफ से सहायता या हमारी तरफ से कम देख रेख कि आप लगे रहो, मैं इस इलाके पर नज़र रखता हूँ, कोई भी आने से मैं इतला दूंगा, इशारा दूंगा, विसल दूंगा या कोई इस तरह का सिग्नल दूंगा कि आप लोग छुप सको या वापस टनल में घुस सको। तो ये जो सारी कार्रवाई है ये बिना हमारी मदद के नहीं हो पाती और इसलिए हमें सावधानी की भी ज़रूरत है और सिक्योरिटी तंत्र जो है उसको और ज़्यादा कारगर होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं आदर्श जी कहना चाहूँगा कि हम कहते हैं बॉर्डर है तो BSF है, बिजली है तो मोदी है, पानी है तो मोदी है, ये जो बीच के लोग हैं ये कहाँ जाते हैं? मोदी तो आकर रखवाली करेगा नहीं, यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना काम करती है, परली तरफ नज़र रखती है, क्रॉनस स्मगलर्स भी देखने हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी देखना है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी देखना है, पेट्रोलिंग भी करना है। पर जो हमारा अंदरूनी तंत्र है, हर गांव में वो चौकीदार थे, नंबरदार लोग होते हैं, हर गांव में अभी तो वो ग्रास रूट लेवल लीडरशिप भी आ गई है, हर गांव में पेड इन्फॉर्मर्स होते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के, क्या ये सब लोग सो रहते हैं या ये सब लोग शामिल हो जाते हैं? ये एक सोच विचार की बात है। और मैंने देखा है जब जब कुछ क्रॉसिंग करानी होती है, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आना था, वो कुछ लोगों को पंपिंग करना चाहते थे, रिपब्लिक डे आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, कोई और बड़ा विदेशी हमारे देश में VIP आने वाला होता है, और जब उन्होंने ये कांड कराना होता है उन दिनों में इस तरह के इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, ड्रोन्स आ जाते हैं, असला आ जाता है ड्रोन्स के साथ, मशियारात आ जाते हैं ड्रोन्स के साथ। इन सब बातों को देखते हुए ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी फौज के अलावा, सिक्योरिटी एजेंसीज के अलावा जो सिविल एरियाज़ में निगाह रखने की बात है वो कहीं कमज़ोर है। उसके साथ ही वो आवाज़ें भी तभी उठनी शुरू होती हैं कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा, आप यहाँ से आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटा दो। अक्सर इन इलाकों का नाम लिया जाता है कि जी यहाँ तो कोई वारदात नहीं हुई, जबकि मैं एज फौजी नज़र से देखता हूँ सबसे ज़्यादा पोरस हमारा बॉर्डर मधुपुर से लेकर सांबा और अखनूर तक का है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर से जानते हैं। LOC पर फौज की तैनाती है, LOC पर निगरानी भी ज़्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन की वारदात वहाँ भी होते हैं, पर इस तरह सरेआम दो अटैक कठुआ पर हुए, दो अटैक सांबा पर हुए, दो अटैक कालूचक पर हुए, रत्नोचक और कालूचक, दो अटैक नगरोटा पर हुए, सोंजवा पर अटैक हो गया, अखनूर का जो टांडा है वहाँ अटैक हो गया। तो ये सब क्रॉसिंग्स यहीं से हुई जी, और फिर भी हम कहते हैं यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। ड्रोन्स आए, हर बार इसी इलाके में आए, अगर वो कामयाब होकर कुछ फेंक कर चले गए तो उसकी जानकारी कुछ बार मिली भी, कुछ बार शायद ना भी मिली हो। तो इस इलाके को मैं समझता हूँ ज़्यादा गौर से देखने की ज़रूरत है, और वो जो सेल्स हैं सिक्योरिटी के, पेड इन्फॉर्मर्स के, उन सबको चौकन्ना करने की ज़रूरत है। साथ ही ज़रूरत है इस बात की, टनल आपने पहचान ली, वाह 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 पहचान ली, बनी कब, तब क्यों नहीं पहचाना, और उसकी पेनल्टी होनी चाहिए। कौन था SHO वहाँ, कौन था थानेदार वहाँ, कौन पुलिस पोस्ट था वहाँ जिसकी नज़र के नीचे 170 मीटर का तकरीबन 1.25 किलोमीटर का टनल खुद गया और उसको पता नहीं था? कौन था वहाँ का चौकीदार, क्यों वो सोया रहा, कौन था वहाँ का नंबरदार, और कहाँ थे वहाँ के लोकल लीडर्स जो ग्रास रूट पर अपने मेल मिलाप की हामी भरते हैं, फकर से कहते हैं कि हम बच्चा बच्चा जानते हैं,
एक से मुलाकात हुई कि ये मेरे मियाँ भी पता नहीं, मैं मजा का नाम दसी सकना केड़े घर च सुनने वाली है। अगर आपकी जानकारी इतनी है तो आपको इन सब बातों का पता क्यों नहीं लगता? सर दोनों चीज, दो चीजें, एक तो ये तो बड़ी सीधी सी बात है, वहाँ से 40 किलोमीटर जम्मू से जाके तो कोई वहाँ से उनके साथ मिला हुआ नहीं है, ना वहाँ जाके वो काम करवा सकता है कोई। ये कुदरती बात है कि वो साथ लगते जो सकते गांव हैं उन्हीं से हैं कोई ओवरग्राउंड वर्कर्स उनके जो ये काम कर रहे हैं। और ये बात सही कही कि चौकीदार जो हमारे हैं या दूसरे, आप तो वहाँ पे VDC हैं, पंच सरपंच हैं, कहते तो रहते हैं, हम घर घर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमें ये सब की पीठ भी थपथपाते हैं कि उन्होंने में से इसको बाद में पकड़ लिया, पता चल गया टनल जहाँ निकली है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि उस एरिया को पूरी तरह से छानबीन होनी चाहिए। वो क्यों नहीं, जब पहली टनल मिली तब भी नहीं हुई, दूसरी मिली तब भी नहीं हुई, 11 टनल्स मिल चुकी हैं, अब हद हो चुकी है इस बात की। अब तो एक रास्ता, एक रूट बन गया है कि वहां से इनको पार करना। जब तक कैरेट एंड रॉड, अगर आप वाहवाही और शाबाशी दे रहे हैं टनल को क्रॉसिंग होने के बाद, पूरा बन चुकने के बाद पहचान लिया, ढूंढ लिया, तो आप रॉड का इस्तेमाल करके उस एक महीना डेढ़ महीना जिसमें वो बनाई गई उसमें जो लोग सोए गए, इस बात को नहीं पहचान पाए, क्या आप उनको पेनलाइज, पनिश या कम से कम क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो वो सोए ही रहेंगे, टनल्स बनती ही रहेंगी, क्रॉसिंग होती रहेगी, और जब हो चुकेगी और जैसा उसमें हमारा एक जवान हमारा भी शहीद हुआ, उन लोगों को मार दिया, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो मेरे देश का एक बच्चा शहीद हुआ, उसके बाद आप छानबीन करके कहेंगे जी ये टनल मिली है। तो ये थोड़ा सा इसको तंत्र को काफ़ी तेज़ होने की ज़रूरत है और लोगों के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और पेनल्टी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, क्यों ना बर्खास्त हो जाए वो चौकीदार जिसके इलाके में कार्रवाई हुई, क्यों ना क्वेश्चन किया जाए उन ग्रास रूट नेताओं से जो घर घर में लाभ रखने की दम भरते हैं कि आप कहाँ सोए थे जरा, क्या आपका देश के प्रति सिर्फ वोट लेना और वो फंड्स लेना डेवलपमेंट के लिए उतनी ही जिम्मेवारी है? क्या सुरक्षा आपकी निगाह में कोई महत्व नहीं रखती? दे आर नॉट पेड फॉर इट, पर एक शहरी होने के नाते अगर मुझे फिक्र है, आपको फिक्र है, हर शहरी को फिक्र है, इसी तरह उनको भी न सिर्फ फिक्र होना चाहिए पर DDC पर सरपंच होने के नाते उनको कुछ अपने आप इस तरह की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। कल साहब, हाँ, PP न्यूज़ लाइन ने एक मुहिम शुरू की थी आप लोगों की साथ मिलके, कि जो आपने शहादत की अभी बात की है, तो जम्मू कश्मीर में हमारा जवान शहीद हो जाता है, उसके घर पे उसकी वीर नारी जो है उसको 4 लाख रुपये, बाद में 5 लाख किया, जबकि नेबरिंग स्टेट जो है वहाँ पे 50 लाख और अब तो 1 करोड़ का उन्होंने कर दिया। हमने यहाँ पे आपके साथ मिलके, बाकी दूसरे जितने भी एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलके इस मुहिम को छेड़ा, इसमें आपका एक बहुत बड़ा योगदान रहा और ब्रिगेडियर रणजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात को लेके हमने बहुत बात की, और जिस वक़्त जम्मू कश्मीर के हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे तब हमने ये मुद्दा उठाया था, और आपने गवर्नर LG से भी बात की थी, LG ने फौरन उसी वक़्त ऐलान किया था कि मेरे पास अभी फाइल पहुंची नहीं है लेकिन मैं 25 लाख का आज से ही कर दूंगा। इस बात को 2 महीने बीत चुके, 2 महीने पहले हमने यही इसी स्टूडियो में बात की थी और आपने सारा फाइल मूव की थी, सारा कार्रवाई की थी। 2 महीने बीतने के बाद अभी तक फाइल जो है LG के पास नहीं पहुंची। और दूसरी बात, जो LG ने उस वक्त कहा था कि मैं 25 लाख का इमीडिएट अनाउंसमेंट करता हूं, वो 25 लाख नहीं मिला, जबकि
पंजाब में 50 लाख की जगह 1 करोड़ कर दिया। आदर्श जी, ये जो शहादत होती है ये जेएमके के वासियों के साथ एक बहुत ज्यादा ज्यादती है। अगर वो शहादत जेएमके के अंदर हो तो 5 लाख देते हैं, जेएमके की सीमा के बाहर जैसा पिछली शहादत जो हुई थी वो अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, वैसी सूरत में 4 लाख देते हैं, जो भी अभी तक दिया नहीं है। एक वीर नारी का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसने कहा था कि मेरे नायब सूबेदार हस्बैंड शहीद हो गए हैं और मुझे वो कहते हैं सर्विस इंडिया की करते थे तो इंडिया से जाकर पैसा ले ले। क्या आज 5 अगस्त 2019 के बाद 370 अप्रोग्रेट करने के बाद भी हम इंडिया नहीं हैं? मेरी दृष्टि में तो हम इंडिया 25 अक्टूबर 1947 में बन गए थे जब महाराजा ने एक्सेप्शन किया था। पर क्या जेएमके यूनियन टेरिटरी के जो करता धरता है उनकी नज़र में आज भी हम इंडियन नहीं हैं? इंडिया सर्विस करता था, इंडिया से ले ले, ये शब्द उस वीर नारी ने दिए। इस वक्त तो सारे जितने भी आईपीएस आईएएस सब वहीं से आ रहे हैं। कारिंदे नहीं हैं, हुक्म देने वाले हैं, हुक्म दे देते हैं, नीचे माना नहीं जाता, क्योंकि आज भी 80% स्टाफ वो है जो कि भारतीय फौज को, भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, भारतीय सीआरपीएफ को इंडिया की फौज मानते हैं, अपने आप को इंडिया का कारिंदा नहीं मानते। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में है वो, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, भारत से तो खैर पता नहीं कब इनके जहन में भारत बैठ पाएगा। तो ये जो कारिंदे नीचे से हैं या फाइल नहीं वो होने देते, मैंने बड़ी कोशिश की, एलजी साहब को मैंने पर्सनल टैग करके भी मैसेजेस दिए, उनका बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ 12 मार्च को, बहुत वायरल हुआ, बड़ी तारीफ की, बड़ा हौसला बना कि एडहॉक 25 लाख दे दिया है। उसके बाद भी मैंने उनको लिखा कि अगर देखा जाए तो हर साल तकरीबन 10 के नीचे होती हैं हमारे जेएंडके यूनियन टेरिटरी की कैजुअल्टीज, जेएंडके स्टेट की, लद्दाख के टाइम लद्दाख के भी शहीद होते थे, वो कम करने के बाद अब 5-6 कैजुअल्टीज हर साल होती हैं, जैसा दिल्ली, जैसा चंडीगढ़, जैसे कुछ और स्टेट्स, तेलंगाना 1 करोड़ दे रहा है, महाराष्ट्र 1 करोड़ दे रहा है। अगर हम 1 करोड़ दें तो क्या 5-6 करोड़ रुपया साल का उन वीर नारियों के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश को दे दिया कोई बहुत बड़ी अनफोर्डेबल बात है? तो बजाय इसके कि उसको 25 को सोच विचार करके बाकी स्टेट्स के बराबर 1 करोड़ ले आते, या जैसा पहले दस्तूर चल रहा था 50 लाख कर देते, अरे कम से कम आपने जो शब्द कहे हैं कम से कम उसको तो पूरा कीजिए, एब्रोगेशन के बाद से ही कर दो, करते तो सही, पर कुछ नहीं हुआ है। और जानकारी लेने के बाद पता चलता है कि फाइल जेएंडके स्टेट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटकी हुई है। अब पता नहीं कहां तक सही है कि सज्जन वही हैं जो पहले होम में बैठकर ब्रेक लगा रहे थे, अब वहां बैठकर ब्रेक लगा रहे हैं। किसी भी का नाम लेना मुझे मुनासिब नहीं लगता, पर ऐसा सुनने में आया है कि जो पहले होम डिपार्टमेंट में ब्रेक लगा था, ब्रेक शिफ्ट होकर अब वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में बैठकर ब्रेक लगा रहा है। ऐसा क्यों है? हम भारतवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, मुझे शामिल करके हमारे खून का योगदान है इस मिट्टी में, स्वेट का तो है ही है, तो क्या हमें बाकी भारतीयों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए? वो मेरी बहनें, बेटियां, माताएं, जिनके भाई, बहन, बेटे, शौहर शहीद हुए हैं, क्या वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमें वहां पर हैगलिंग करनी चाहिए कि हम 5 दे दे, चलो 25 कर ही देने, क्यों कर देते हैं हम 25?
क्यों हम 1 करोड़ नहीं देते दिल्ली की तरह, तेलंगाना की तरह, महाराष्ट्र की तरह, चंडीगढ़ की तरह? हम सबसे पीछे वेलफेयर में क्यों रहना चाहते हैं जबकि अमाउंट एग्जॉर्बिटेंट नहीं है? 5 करोड़ 7 करोड़ कोई बड़ी भारी अमाउंट नहीं है, जबकि किस तरह से स्कैम्स हो रहे हैं। जेके बैंक का रोज स्कैम आया होता है, आज भी अखबार में है। वो बॉम्बे में एक बिल्डिंग खरीद ली जिसकी जरूरत ही नहीं थी, 126 करोड़ की। उसमें तो 10 साल इन नारियों का जो पैसा देना है निकल आता। बिल्कुल सही कहा। कल बहुत अच्छा लगा नॉर्दर्न कमांड के जो हमारे कमांडर हैं, उन्होंने कल वीर नारियों के साथ और एक्स सर्विसमैन के साथ अखनूर में एक रैली हुई, उनसे मुलाकात की। एक अच्छा लगा कि उनको शहादत पे उनकी श्रद्धांजलि भी दी गई और उनको एक पता चला कि अभी भी सेना हमारे साथ खड़ी है। ये एक बहुत अच्छी बात थी और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब इस बात पर भी गौर करेंगे, चूँकि उनके अपने कहे हुए शब्द हैं, जो अपना उनके मुंह से निकला शब्द ऑर्डर होता है। अगर उस ऑर्डर को नहीं माना जाता तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं बहुत आदर करता हूँ एलजी साहब का, बड़े अच्छे अच्छे डायरेक्शंस उनके निकल कर आते हैं, पर वो ग्राउंड पर आते आते तो गायब हो जाते हैं, एक्शन पर नहीं हो पाता। क्या ऐसा है कि हमारी जो कारगुजारी है, जो लोग हैं, वर्किंग फोर्स है, जो इनका कुछ कल्चर ऐसा है कि ऑर्डर जो मर्जी आते जाएं, हमने वही करना है जो कि 70 साल से निजाम में होता रहा था। जी जी। और अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ कुछ सख्त किस्म के कदम एलजी साहब को उठाने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये न सिर्फ ज्यादती हो रही है वीर नारियों के साथ, ये ज्यादती हो रही है आम पब्लिक के साथ, या वो बिजली पर सफर कर रहे हों या पानी पर सफर कर रहे हों, ये ज्यादती हो रही है उन सब के साथ जिनको के एक उम्मीद बन गई थी एब्रोगेशन के बाद कि अब चीजें सीधी चलेंगी। ये ज्यादती हो रही है उन सब चुनिंदा जगह जगह से ये लोग अच्छे एडवाइजर्स वगैरह लेकर आए, काबिल लेकर लोग आए जो कि नोटिफिकेशंस में तो मदद करते हैं पर ग्राउंड पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। ये ज्यादती हो रही है उन सब लोगों के साथ जिन्होंने बड़े दिल से 25-26 सीटें दिलाकर कहा था कि शायद अब ये जो सरकार बन रही है ये जम्मू का और भारतवर्ष का, भारतवासियों का, भारत सोचने वालों का, भारत का झंडा उठाने वालों के लिए कुछ करके दिखाएगी। कल साहब 370 हटने के बाद पाकिस्तान को बहुत दिल मिटा रखे थे, सबसे ज्यादा मुरोड़ उसी कोठे थे, और उसने सबसे पहले जो काम किया वो किया कि भारत के साथ अपना व्यापार बंद कर दिया। उन्होंने कहा जब तक भारत जम्मू कश्मीर की 370 को बहाली नहीं करता हम भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी हालत इतनी खस्ता है कि वहां पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पैसे की कीमत, हमारे रुपए की कीमत बहुत ज्यादा है। हाल ही में मैं करतारपुर साहब गया, वहां पे जो छोटा सा मार्केट था वो शुक्र करते थे इंडियन यहाँ पे आए हैं हमारे पास, उनके हमारे 1 रुपए की कीमत 180 रुपए है उनकी, वो शुक्र करते थे इंडियन करेंसी हमें मिल रही है, वो इंडियन करेंसी में लेना ज्यादा पसंद करते थे। अब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात सरकार बदलने के बाद इन्होंने ऑफर की है भारत सरकार को कि हम फिर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम मान लें कि पाकिस्तान ने 370 हटने की बात मान ली है? देखिए, पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी चीज जो भारत के हित की है उसको ना कभी माना है ना कभी वो दिल से उसको कभी मान पाएंगे, पर हर देश को पाकिस्तान को शामिल करके अधिकार है अपने देश की बेहतरी सोचने का, और ये पूरी तौर पर उन्होंने अपने देश की बेहतरी को सोचते हुए फैसला लिया है। अब सीज फायर भी जब आया था और पाकिस्तान की तरफ से प्रपोजल आया था
कि वो सीज फायर जो कि पहले था और फिर टूट गया और सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ वर्जी उसका दुरुपयोग पाकिस्तान करता रहा है इन्फिल्ट्रेशन करके और रोज़ बॉर्डर पर हमारी कैजुअल्टीज कर जब उनको सर पर मार पड़ी और जब उनको ये एहसास हुआ कि अब सीज फायर वॉलिशंस का नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने प्रपोजल दिया अब सीज फायर फिर मान लेती है। प्रपोजल शांति प्रिय था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह आज उनको इस तजारत की ज़रूरत है। जब यूक्रेन वॉर के बाद संसार में अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं, जब रशियन ऑयल सप्लाई न होने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में मशीनरी बंद है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रहे हैं और हर चीज़ एक कमी आने के स्टॉक्स जो पाइपलाइन के हैं चल रहे हैं अभी ख़त्म होने के बाद जो हालत बनने वाली है उसमें हर चीज़ की कमी दुनिया को नज़र आएगी, हर चीज़ की कीमतें ऊपर जाती नज़र आएंगी अगर सीज़फायर रशिया यूक्रेन का हो जाता है। उसके बाद ये असरात जाने में साल दो साल स्टेबलाइज होने में लगेंगे। उस हालत में पाकिस्तान जिनकी के बाइंग पावर नेगलिजिबल है, निल है, उसको बड़ा अच्छा मौका है हिंदुस्तान से तजारत करने का और हमारी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी से अनाज और छोटी मशीनरी, हैवी मशीनरी जो वो लेते आए हैं ले सके। तो ये इन्होंने अपना भला सोचा है क्योंकि प्रपोजल पीस का है, मान लेना चाहिए। पर मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो जो स्पेशल स्टेटस हमने दिया था इनको मोस्ट प्रिविलेज नेशन का, अब वो नहीं देना चाहिए। तजारत होगी तो तजारत के उसूलों से एट इक्वल लेवल। मदद हम कर देते हैं, दवाइयाँ भेजी थी, इस सब के बावजूद भी हमने उन्हें दवाएं दी थी। न सिर्फ उन्हें, हमने वैक्सीन तो पूरी दुनिया में जिस जिस को ज़रूरत थी दिया। वो हमारी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन जो इंसानियत है वो अपनी जगह, तिजारत अपनी जगह, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो पाकिस्तान ने हटा लिया था 70 इसमें करगिल के बाद, पर उसके बाद भी हमने उन्हें वो स्टेटस दिए रखा जब तक कि उन्होंने तिजारत से हाथ पीछे नहीं खींच लिया जी। अब वो तिजारत चाहते हैं, ज़रूर करें, हम तिजारत करेंगे और तिजारत करेंगे तिजारत तिराज तिजारत की तरह, फेयर इक्विटेबल टर्म्स पर, फेवर्ड टर्म्स पर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो जो बॉर्डर पर तमाशा शुरू हुआ था माल के लेन देन का, जिसमें वो पैसा दो तरह से आता था, वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह का पेमेंट ज़्यादा होता था, यहाँ से आलू टमाटर का कम होता था और बैलेंस तो पैसा जो यहाँ पहुँचता था वो हवाला के जरिए दूसरे जरिए जाकर दहशतगर्दी में लग जाता था जी जी। उन्हीं पैकेजेस में आरडीएक्स भी आता था, उन्हीं पैकेजेस में छोटे हथियार भी आते थे। अब इन चीज़ों के ऊपर एक कड़ी नज़र, स्कैनिंग प्रॉपरली कर वो हिस्ट्री ना दोहराई जाए कि कोई पूछे कि ये पुलवामा में जी इतना ये जो असला आ गया, ये इतना बारूद आया कैसे, इतने टन अपने ही देशवासी पूछते हैं, हमारे देश के लोग पूछते हैं ये आ कैसे गया, अरे किसने खोले हुए थे ट्रकों के रास्ते, किसने वो ट्रक स्कैनर्स में टांग अड़ाई जो सालों साल रिक्वायरमेंट रही पर नहीं लिए गए। तो ये सब सोचने की चीज़ें हैं और वो कड़वे सब जो सबक हमें मिले थे उनसे सीख लेकर जो भी तिजारत करनी है अब वो बोल्ड होकर करनी है, इक्वल टर्म्स में करनी है और मौका नहीं देना है किसी भी तरह की शैतानी का। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी विशेष बात रक्षा और सुरक्षा को लेकर कर्नल वरिंदर साहिज के साथ। कल साहब आप और स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, थैंक यू।